ये बुलबुले जब निकलते हैं ना, तो मतलब है कि और हेलो एंड वेलकम टू गांव टू एक्सप्लोर। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी छोटी वाली बुआ के घर। कल उनका फ़ोन आया हुआ था, तो मैं और सुमन जा रहे हैं अपनी बुआ के घर पे। और यहाँ से हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं, यहाँ से करीब 10 मिनट का और रास्ता है, तो रास्ता कुछ ऐसा है। और यहाँ पे एक नदी बहती है जो घाघरा नदी की सहायक नदी है, और ये उसी का पार्ट है। यहाँ से ये पूरा एरिया तराई वाला एरिया है। मैंने ना सुमन कभी इतनी धीमी गाड़ी नहीं चलाई होगी ताकि तुम्हें डरना लगे। अच्छा, पहली बार तो बैठी हूँ ना मैं गाड़ी में आपके साथ। तो भैया अब हम लोग पहुंच गए बुआ के घर, अभी जस्ट पीछे ही है। ये बुआ के घर पहुंच गए। नमस्ते बुआ। बुआ भी लगी हुई है हमारे स्वागत सत्कार में। और देखिए इधर इनको, ये गांव की सब बेटियां हैं, अपनी भाभी को देखने आई हैं। देखा भाभी को? अच्छा, लगेंगी तुम्हारी ये सब नंद लगेंगी। तो मिली अपने नंद से? मिली। यहाँ पे बड़ा सुकून सा है, शांति है, बस मेचर्स के करीब आ रही सारी है, आराम से बैठे हैं। ये बुलबुले जब फूट निकलते हैं ना, तो और बारिश होती है, इसका मतलब है कि और तेज बारिश होगी। तो मतलब ये अब और तेज बारिश होगी? और नहीं हुई तो? हो तो रही है, हो रही है तेज की, देख लो अभी और तेज होगी। देखते हैं कि और तेज बारिश होती है कि नहीं होती है। बंद हो गई है तो? होगी अभी, कल परसों तक हो जाएगी। होगी अभी, देखना अभी है बादल आसमान में। मैंने बोला था ना ये बुलबुले निकल रहे हैं तो बारिश होगी। देखो हो रही है तेज बारिश, हो रही है। कहाँ हो रही है बारिश? हो रही है, हो ही नहीं रही बारिश, हो ही नहीं रही। तो ये बारिश तो हो रही है। ये लॉजिक है, पता नहीं दादी वदी भी बोलती थी ऐसे, तो इसलिए पता है मुझे। तो भाई सुमन तो जीत गई इस मामले में। अभी और भी बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब अभी और बारिश होगी है ना? तो भाई यहाँ तो आ गई बारिश, तो हमें वहाँ से उठ के यहाँ पे आना पड़ा। बारिश बंद हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और मौसम बड़ा मस्त और सुहावना हो गया है। सारे पक्षी यहाँ पे चहचहा रहे हैं, इकट्ठा हो गए हैं, शोर कोलाहल मचा रहे हैं यहाँ पे। ये बुआ ने उपले रख रखे हैं, बुआ उपले से ही खाना बनाती हैं, और ये गाय भैंस के उपले ऐसे ही बनते हैं। इसमें थोड़ा सा गाय का और भैंस का गोबर होता है, उसी में कुछ भूसा वगैरह मिला के ये बना लेते हैं। एकदम शांत माहौल है और बिल्कुल शांति है यहाँ पे। बुआ के पास हमारी एक फोटो है बचपन की, तो एल्बम में है, वो एल्बम लेके आए। अच्छा ये वाली। ये हम तीन भाई हैं।
ये जो राइट साइड में ना ये बंदा, ये मैं हूँ। ये फोटो होगी 35 साल पुरानी फोटो होगी। ये मम्मी की फोटो है और ये तभी की फोटो है जब हमारी फोटो खींची हुई थी, और ये मेरी दादी है। अच्छा सुमन ये बताओ इसमें मैं कहाँ पे हूँ? तुमने कैसे पहचाना? मैंने देखी हुई है ये पर्टिकुलर, मम्मी ने बताई है मुझे। ये बुआ के घर के पीछे का हिस्सा है। चलो बुआ चल जा। खुश रहा भैया। ठीक है। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। तो बुआ के घर से तो हम आ गए। बारिश होने की वजह से रास्ता थोड़ा खराब हो गया है। अभी हमें पैना पुल पे